गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंडियन मॉनसून. ओके, वी हैव डन टेल प्रेशर एंड विंड्स. मैंने आपको बताया था किस तरह से इफेक्ट करते हैं हमारे एटमोसफियर को, हमारे क्लाइमेट को. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंडियन मॉनसून. ओके, सी The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The sailors who came to India in historical times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. The Arabs, who had also come to India as traders, named the seasonal reversal of the wind system monsoon. क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये पैरा? देख कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मेजरली किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है. मैंने आपको जब सीजन्स बताए थे तो उसमें भी बताया था कि हमारे इंडियन सीजन्स को क्या बोला जाता है, मॉनसूनल सीजन. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मॉनसूनल विंड्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है, तो जो सेलर्स मतलब कि जो पहले लोग जहाज़ के थ्रू आया करते थे इंडिया में अरेबियन कंट्रीज से, तो वो कहते थे कि उन्होंने वही थे सबसे पहले इस फिनोमेना को मतलब इस प्रक्रिया को नोटिस करने वाले. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो अरेबियन साइड से सीज़ की हेल्प लेकर आया करते थे तो विंड जो है उन्हें बहुत मदद किया करती थी उनकी सेलिंग में, उनके जहाज़ को तैराने के लिए. ठीक है, ताकि जहाज़ जो है ईजीली फ्लो हो पाए, उन्हें इतनी ज़्यादा ताकत से इतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े. ठीक है, तो उसमें क्या है, जो जहाज़ हुआ करती थी सामान से लदी पड़ी, उसको फ्लो आउट करवाने के लिए जो विंड्स हुआ करती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी. और उन्हीं सेलर्स ने, वही जो मिडल ईस्ट से आ रहे थे सेलर्स, जो अरेबियन कंट्री से सेलर आ रहे थे, उन्होंने ही इस फिनोमेना को क्या नाम दिया था, इस विंड सिस्टम को क्या नाम दिया था, मौसम. ठीक है, और जिससे क्या वर्ड निकल कर आया, मॉनसून. समझिए क्या होता है जनरली, इस वाले डायग्राम में देखेंगे. देखो ये जो मॉनसून है ये अलग अलग तरह से जो है वेरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसे वेरी करने वाले. पहले मैं आपको फैक्टर्स क्लियर करती हूँ, उसके बाद ये डायग्राम समझाऊँगी. देखिए, तो जो आपको फर्स्ट फैक्टर है जनरली, ये जो मॉनसून है ये कौन से एरिया में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ में. ठीक है, इक्वेटर से कहाँ की तरफ, ट्रॉपिक की तरफ, चाहे वो नॉर्थ का ट्रॉपिक हो चाहे साउथ का ट्रॉपिक हो. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, तो वो एरिया क्या है, वो एरिया जो है आपका मॉनसून को एक्सपीरियंस करता है. अब समझिए कि जनरली ये वाला एरिया है कौन सा. देखो ये आपके अर्थ है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था हमारे अर्थ को बांटा हुआ है. ये है आपका 0 डिग्री. ठीक है, फिर ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ. ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 66.5 डिग्री साउथ और ये है आपका 90 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 90 डिग्री साउथ. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. यहाँ पे आप भी लिख लीजिएगा 90 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 90 डिग्री
ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वेटर। नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो क्या है, आपके ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहीं पर लिखते जाइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये कितने पे है, ट्वेंटी 3.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ये है सेकेंड साउथ में, सेम लैटिट्यूड है इसका भी, 23.5 डिग्री साउथ, ओके। नेक्स्ट ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपका 66.5 डिग्री साउथ। इसे आप कहते हैं आर्कटिक सर्कल, जो नॉर्थ में है इसको, और यहाँ पे जो साउथ में है इसको आप बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये जो है आपका, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है आपका 90 डिग्री साउथ, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ और नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए जो मॉनसून है वो किस रेंज में है, इस रेंज में, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं मॉनसून को, मॉनसून को क्या बोलते हैं, एक ट्रॉपिकल फेनोमेना, क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में है, इसीलिए मॉनसून को हम क्या बोलते हैं, एक ट्रॉपिकल फेनोमेना। अब देखिए हमारी अर्थ भी, हमें पता है यहीं पर, सॉरी हमारा जो इंडिया है वो भी यहीं पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ही लाई करता है वो, इंडिया का ये वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी जो है ट्रॉपिकल मॉनसून को देखने होते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसे आप क्लियरली बनाएंगे अपनी कॉपी में। सो देखिए जो फर्स्ट फैक्टर है मॉनसून को इफेक्ट करने वाला, वो क्या है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब क्या है इसका, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आपने देखा होगा जनरली और स्टार्टिंग से सुना भी होगा कि जो सॉलिड होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे होते हैं, ठीक है, और जो लिक्विड होते हैं वो देर में गर्म होते हैं और देर में ही ठंडे होते हैं, ठीक है, उनका हीटिंग और कूलिंग जो है अलग अलग तरह से इफेक्टेड होता है। तो हमारे यहाँ सॉलिड क्या है, सॉलिड है कॉन्टिनेंट जो लैंड मास है, और लिक्विड क्या है, लिक्विड है हमारे ओशियंस, ठीक है। तो क्या होता है कि गर्मियों में धूप पड़ने की वजह से, ज़्यादा सोलर लाइट होने की वजह से जो हमारा लैंड मास है तो वो तो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और जो हमारे ओशियंस हैं वो क्या होते हैं, वो उतने गर्म नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है। और मैंने कल भी आपको बताया था विंड्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे मॉनसूनल सीज़न बनने का। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, आईटी सीज़न में शिफ्ट होना। अब आईटी सीज़न क्या है आपका, जो लाइन ऑफ इक्वेटर मैंने आपको बताई थी, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन जो इक्वेटर की है, अगर ये 0 डिग्री है तो इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, कितना, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, तो
तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आपका ITCZ, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो विंड्स आ रही होती है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ से जो साउथ ईस्ट विंड आ रही होती है, ये क्या हो जाती है, इस वाले एरिया में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस हो जाती है, मतलब मिल जाती हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, और ट्रॉपिक के बीच में है तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। थर्ड है आपका हाई प्रेशर एरिया, जो कि मेडागास्कर के ईस्ट में है। अब मेडागास्कर के ईस्ट में कैसे है आप ये समझिए, देखिए ये है आपका अफ्रीका वाला रीजन, ऐसे ऐसे कुछ वर्ल्ड में होता है, यहाँ कुछ ऑस्ट्रेलिया होता है, ये है आपका मेडागास्कर, ठीक है। तो क्या है इस वाले एरिया में, ये पूरा इंडियन ओशियन है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो है इंडियन ओशियन है इधर, ठीक है, और इधर क्या आ जाता है आपका अटलांटिक ओशियन, और इस साइड क्या है पैसिफिक। तो ये तो नीचे पूरा का पूरा ओशियन है, जिसकी वजह से मैंने क्या बताया यहाँ पर क्या है हाई प्रेशर एरिया, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हाई प्रेशर एरिया होता है इस वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो धूप आ ही नहीं पा रही है, धूप क्या आई वो यहीं पर है, ठीक है, इस वाले एरिया में धूप नहीं है। तो क्या होता है इस वाले एरिया की वजह से, जनरली गर्मियों में हमारी जो ITCZ बेल्ट है वो भी चेंज हो जाती है, कैसे, क्योंकि हमने देखा है पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है, तो वो क्या है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है ना, तभी वो जो पोजीशन चेंज होती है वो एक साल में अपना पूरा जो ऑर्बिट है वो उसको क्रॉस करती है, उस सर्कल को कम्प्लीट करती है, तो हमारे क्या होता है 1 ईयर कम्प्लीट होता है। तो वो क्या है, पृथ्वी जरूरी थोड़ी ना है, इसको यहीं पर समझेंगे कि मान लीजिए सन है, ठीक है, और यहाँ पे ये अर्थ है आपकी, अर्थ ने यहाँ से चक्कर लगाया, ठीक है, अब उसे तो इस पूरे एरिया में रिवॉल्व करना है ना, इसके पूरे एरिया में, तो वो क्या होगा आज यहाँ पे है, ठीक है, फिर 3 महीने बाद जो अर्थ है वो यहाँ होगी, फिर थ्री मंथ्स बाद यहाँ पे होगी, फिर 3 मंथ्स बाद यहाँ होगी। तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो अब क्या है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। तो इस टाइम में क्या है, अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो सूरज के सामने कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, हमारी अर्थ टिल्ट है, ठीक है, तो साउथ पे ज़्यादा रोशनी आ रही है। अगर हम इस वाले हिस्से की बात करते हैं तो अर्थ क्या है, ये ऐसे है, ठीक है, तो इस टाइम भी साउथ वाले हिस्से पे ज़्यादा रोशनी आ रही है। अगर मैं इधर वाले एरिया की बात करती हूँ तो ये ऐसे टिल्ट है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ वाले हिस्से पर ज़्यादा रोशनी आ रही है, मतलब नॉर्थ सन जो है कहाँ पे है, नॉर्थ में है, तो मतलब समर कहाँ पे है, नॉर्थ वाले हिस्से में, मतलब जब हमारे यहाँ पे ये जो टाइम है जून वाला टाइम है, इस वाले टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, नॉर्थ वाले हिस्से में सन है। तो इसको समझना है आपको थोड़ा सा, ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है जितना कि दिख रहा है, ये कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ये नहीं समझना है कि ऐसा क्यों है, बस मैं आपको ये वाला एक एरिया इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉरी ठीक है, जो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर हमने देखा कि जो मेडागास्कर है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हाई प्रेशर हो जाता है, और विंड क्या है यहाँ से तेज़ी से चलने लगती है इस साइड, ठीक है, और जो कि क्या करती है यहाँ पे हिमालय से टकराती है और बारिश करती है, मानसून बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटिंग। अब ये तो हमने साउथ वाले हिस्से में देखा, नॉर्थ वाले हिस्से में देखते हैं क्या होता है। देखो जो हमारा इंडिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमें पता है यहाँ पे तो हमारा क्या है हिमालय, और यहाँ पर हमारा है तिब्बतन प्लेट्यू जो तिब्बत का पठार है, तो ये भी क्या है, ये भी एक्सट्रीम हीटर हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, और कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो ये विंड क्या है इधर की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है।
अब इधर की तरफ जाने की कोशिश करती है और बीच में क्या आ जाती है आपकी हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज को ये क्रॉस कर नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या होता है यहीं पर जो है आपकी बारिश हो जाती है इस वाली एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली। मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली में मैंने आपको बताया था जो वेस्टर्ली जेंसीम्स हैं वो एरिया को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, और हिमालय में बारिश करती है।